नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। यह खास खबर भदोही जिला से है। यहां जिला पंचायत चुनाव को लेकर बाबा सिमरनाथ धाम परिसर में प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित युवा सम्मेलन में जहां विकास कार्यों की चर्चा हुई, वहीं वार्ड नंबर 19 के भाजपा समर्थित प्रत्याशी को लेकर भी भाषण का दौर चला। इस दौरान वार्ड नंबर 19 से भाजपा जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदारी जताने वाले भाजपा कार्यकर्ता मनोज दुबे सबसे खास आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे। युवा समर्थकों के साथ उन्होंने शक्ति दिखाई, साथ ही कहा कि यदि भाजपा ने प्रत्याशी बनाया तो वह विपक्षियों के सभी समीकरण को ध्वस्त कर देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा समर्थकों के साथ पहुंचे मनोज दुबे का जलवा देखते बन रहा था। युवा सम्मेलन को मंडल प्रभारी संजय प्रताप सिंह ने संबोधित किया। रामहिंस शुक्ल ने कहा कि उम्मीदवार के मसले पर शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगी। बड़ी बात यह भी रही कि दावेदारी की रेस में मनोज दुबे सबसे आगे नजर आए। यह संदेश भाजपाइयों तक ही नहीं बल्कि विपक्षियों तक भी पहुंचा। ऐसे में भाजपा नेतृत्व यदि मनोज दुबे को समर्थित प्रत्याशी बनाता है तो यह जिले की पहली सीट होगी जिस पर भाजपा सबसे आगे नजर आएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सिमराज समेत तमाम दावेदार और युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाहुबली, गुंडा, बदमाश, माफिया चुनाव लड़े और पूरा सिमराजनाथ मंडल को ख़त्म कर दिए। सिमराजनाथ मंडल में न रोड है, न पानी है, न सड़क है, न बिजली है और गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। इसलिए सारे कार्यकर्ताओं और सारे ग्रामीणों ने हमें खड़ा किए हैं कि आप लड़िए और मैदान में आइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम उन्हीं प्रेम व्यवहार के साथ जो है इस समय बीजेपी के सिंबल से चुनाव 19 नंबर में लड़ने के लिए मन बनाए हैं। सिमराजनाथ क्षेत्र का विकास हो, डीग विकास का नाम हो और डीग विकास का ही जिला अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बने। मनोज जी, युवाओं की तादाद बहुत अधिक देखने को मिल रही है आपके साथ में, क्या माजरा है? सारे लोग जो उत्साह हमारा बढ़ाने के लिए, माहौल बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। शंकर जी के मंदिर के सामने सारे लोग शपथ लिए कि आप चुनाव मैदान में रहिए, सुख और दुख में हम लोग आपके साथ हैं। और ये भोलेनाथ के मंदिर में शपथ लिए और उनके साथ रहने के लिए हमारे साथ सब तैयार। आप प्रभारी हैं इस मंडल के, आज यहाँ युवा सम्मेलन हुआ है तो किन विषयों पर चर्चा हुई है? चर्चा जो युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है, अभी तक जो युवा है, नौजवान है, उनके विषय में सरकार क्या सोच रही है और पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी युवाओं के लिए क्या किया, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। जैसे युवा सम्मेलन हुआ है उसी के विषय में चर्चा हुई है और पार्टी चयन के उम्मीदवार के चयन के लिए तो उसी समय ही जो है। कि उत्तर प्रदेश के सियासत का सबसे बड़ा चुनाव पंचायत चुनाव सर पे है, नज़दीक है, समीप है, मंडलों से लेके वार्डों से लेके गांव में एक तस्वीर सज रही है, रणभेरी सज रही है। अब वो चुनाव पंचायती राज में सबसे बड़े चुनाव की है, हम बात कर रहे हैं गांव की सरकार, और गांव की सरकार में सबसे बड़ा चुनाव भदोही जिला पंचायत का होने जा रहा है। माफियाओं, बाहुबलियों से लेके दबंग और भौकालियों तक का बन चुके इस चुनाव में गुरु। बनारसी पान का साज बनारस के इसी हिस्से भदोही के बाबा सिमराजनाथ की धरती पे सस्ता रहा है। यहाँ भी नेताओं की एक ऐसी मंडी है जो इसी बाबा सिमराजनाथ के दरबार में, जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं, ठीक सामने बाबा का दरबार है, यहाँ पे लोग मत्था टेकते रहे हैं। तो सियासत की सबसे बड़ी मंडी का केंद्र बिंदु भी है बाबा सिमराजनाथ। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज दुबे, भाजपा के तेज तर्रार नेताओं में शुमार है, इनका नाम पहचान के मोहताज नहीं है। दबंगों के लिए दबंग, बाहुबलियों के लिए बाहुबली, विकास के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता, लोगों के लिए लोकप्रिय नेता के रूप में इनकी पहचान भी रही है। अर्थात ये माना जाए पूरी तरह से
सठम साठ्यम समाचरेत की भावना रखने वाले मनोज दुबे से हम बात करते हैं। मनोज जी, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पे आज यहाँ युवा सम्मेलन था। युवा सम्मेलन में आपने यहाँ की माफिया बाहुबली दबंग राजनीति पे तमाम केंद्र बिंदु किए हैं, तमाम फोकस किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे गुंडागर्दी, माफियागिरी, डानगिरी अब नहीं चलेगी। यहाँ की भदोही की जनता जाग चुकी है। विशेष तौर सिमराजनाथ मंडल एक अपना अलग पहचान रखता है। यहाँ की जनता किसी माफियाओं की, गुंडागर्दियों की चलने नहीं देगी। यहाँ की जनता सिर्फ अपना ही, अपने क्षेत्र का विकास के लिए कार्य करेगी। और यहाँ पे अब माफियागिरी ख़त्म हो गई है। और जो भी यहाँ पे बाहुबली या डान सोच रहे हैं कि भदोही ज़िला में कब्जा कर लेंगे, उनका कब्जा अब यहाँ पे झंडा गड़ने वाला नहीं है। उन्हें रिटर्न वापस चला जाना चाहिए, नहीं तो इसके लिए पूरी भदोही की जनता अब मन बना चुकी है। अब यहाँ पे भदोही और गुंडा राज का युद्ध चलेगा। अब गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी। बहुत जबरदस्त बात कही है मनोज दुबे ने कि भदोही में अब गुंडा राज के खिलाफ युद्ध चलेगा। ऐसा युद्ध जो विकास की नींव रखेगा, एक ऐसा युद्ध जो निर्माण करेगा, भावी भदोही के विकास की आधारशिला रखेगा और युवाओं को एक मौका मिलेगा बाबा सिमराजनाथ की धरती पे। आज भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पे जो संदेश दिया गया है, उस संदेश में एक जोरदार संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल पूरा होने पे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता मनोज दुबे ने भी दिया है। फिर मिलेंगे इसी खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।